नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 का तीसरा मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने एवी डिविलियर्स और देवदत्त पडिक्कल की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर 20 ओवर में 163 रन बनाए। हैदराबाद के खिलाफ एवी डिविलियर्स ने सिर्फ 30 गेंदों पर 51 रन ठोक डाले और कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। अपनी पारी के दौरान एवी डिविलियर्स ने 4 चौके और 2 छक्के जमाए। अपनी अर्धशतकीय पारी के दम पर एवी ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। डिविलियर्स आरसीबी की ओर से आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा छक्के जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। एवी से पहले आरसीबी की ओर से 200 से ज्यादा छक्के जमाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। गेल ने आरसीबी की ओर से आईपीएल में 239 छक्के जमाए हैं। इसके अलावा ओवरऑल आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के जमाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के ही नाम है, जिन्होंने आईपीएल में अब तक 326 छक्के जमाए हैं। वहीं एवी डिविलियर्स इस मामले पर दूसरे नंबर पर हैं। डिविलियर्स ने आईपीएल में अब तक 214 छक्के जड़े हैं। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने देवदत्त पडिक्कल के अर्धशतक और एवी डिविलियर्स के अर्धशतक के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 42 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। वहीं डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।